या सो आई वाज सेइंग कंडीशंस अगर ट्रू है तो बुलियन एक्सप्रेशंस इवेल्युएट करना है. सो जो भी बुलियन एक्सप्रेशंस इवेल्युएशन होंगे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एंड ऑल. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन लाइन नंबर इन द स्टेटमेंट की कौन से लाइन नंबर पे है वो हमें डिस्प्ले करना है. इफ नॉट देन हम लाइन नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं बाय वन एंड देन वी आर रिटर्निंग टू मोर लाइन्स. इफ इट इज येस देन वो वापस एग्जामिन करेगा पूरा रूटीन फॉलो करेगा. इफ इट इज नो देन इट विल रिटर्न टू दी मेन फंक्शन. सो ये हो गया एक बार. अब कंडीशनल असेंबली कॉल में अगर वो कंडीशन फॉल्स है कि मैक्रो को नहीं कॉल करना है सो इन दैट केस सब्स्टिट्यूट रियल पैरामीटर्स मतलब जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वही करो एग्जीक्यूट. इसका आउटपुट यानी डॉट exe फाइल बनाओ और एलपी इक्वल्स टू एलपी प्लस वन यानी लाइन पॉइंटर्स यानी जितने भी सोर्स कोड में लाइन है उसको वन बाय वन रीड करके उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करते जाओ. तो ये ऐसे होता है मैक्रो का एक्सपेंशन रूटीन. तो यहाँ पे जो हम चेक करें वो ये चेक करें कि मैक्रो कॉल हो रहा है या नहीं. अगर हो रहा है तो मैक्रो को गिवन इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस करो. अगर नहीं हो रहा तो अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में इसको कन्वर्ट करो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मैक्रो इंस्ट्रक्शन. अ मैक्रो इंस्ट्रक्शन इज एन एब्रिविएशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. जैसे हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को ही हम लोग अलग से लिखते हैं तो उसको मैक्रो बोलते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ एनी लॉन्ग ऑपरेशन. द मैक्रो प्रोसेसर रिप्लेसेस ईच मैक्रो इंस्ट्रक्शन विद अ ग्रुप ऑफ सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट्स. इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोस. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो ये रहा मैक्रो मैक्रो नेम उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो. देन इट इज मेंड. मेंड मतलब ऑपरेशन है एंड ऑफ डेफिनेशन. दिस इज स्टार्ट ऑफ डेफिनेशन. दिस इज द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. मेंड एम एंड मतलब मैक्रो एंड है वो. सो दैट इज एंड ऑफ मैक्रो डेफिनेशन. सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट फॉर मैक्रो इज गिवन. फॉर एग्जाम्पल कॉपी कोड एग्जाम्पल की अगर हमको कॉपी करना है तो ये देखिए हैश मैक्रो डिफाइंड मैक्रो है. ये मैक्रो कीवर्ड लिखना पड़ता है ताकि कंपाइलर को समझे. XYZ is the macro name. L 1 comma D 1 A 1 comma D 1 ST 1 comma temp. यानी हमने instructions लिखे हैं कि ये सारे values यहाँ पे store होने चाहिए. M end मतलब macro end हो गया. यहाँ पे जो भी assembly instructions यानी जो भी normal programming रहेगा XYZ उसमें मैक्रो हमने कॉल किया है. वापस एक्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस वापस एक्स वाई जेड कॉल किया है. यानी ये प्रोग्राम्स में हमने दो बार यहाँ पे मैक्रो को कॉल किया है. तो जब भी एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होगा ये जो यहाँ पे है नॉर्मल प्रोग्राम्स है जहाँ पे एक्स वाई जेड आया है दैट एक्स वाई जेड विल बी रिप्लेस्ड बाई दीज लाइन्स. सो इफ यू सी एक्स वाई जेड ओवर हियर इज रिप्लेस्ड बाई दीज लाइन्स. यहाँ पे एक्स वाई जेड है इट इज रिप्लेस्ड बाई दीज लाइन्स. सो दिस इज हाउ मैक्रो वर्क्स. एग्जाम्पल फॉर पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन. सो ये रहा उसका दिया हुआ है यहाँ पे सी INCR INCR यहाँ पे मैक्रो का नाम है एक्स वाई जेड. इसका आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल रेफरेंस वीडियो फॉर इट. इट इज हाफ ओवर हियर. आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट प्रॉपरली. नेक्स्ट सॉरी We'll go for features of macro facility. कि macro के features क्या क्या है. In a simple macro processor, each macro processor is expanded with its code as shown in the figure. हमने देखा था कि अगर test करके लिखा है जो भी हम instructions लिख रहे हैं वो जब जब वो macro name होगा जैसे यहाँ पे macro name is test. जब जब program में वो macro name use होगा तब तब वो क्या करेगा macro name के जगह पे ये सारे instructions से इसको replace करेगा. So that's how we have seen that is a simple macro. Second is parameterized macro or positional macro. That is macro definition with one, two or many arguments. एक macro था simple macro था. दूसरा parameterized macro. Parameterized macro is a type of macro that is able to insert given objects into its expansion. यानी वो arguments accept कर सकता है. It is not able to modify the instruction that replaces the call. To solve this problem, we use macro calls within arguments parameters corresponding to these dummy arguments will appear in the macro. डेफिनेशन जैसे हमने सी सी प्लस प्लस में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स किए हैं वैसे ही है यहाँ. ये देखिए सोर्स मैक्रो एंड स्ट्रिंग लैब ये हमने क्रिएट किए हैं एंड स्ट्रिंग ए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ये एंड हो गया है. लूप वन लैब रिकॉर्ड वन रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड थ्री. लूप टू लैब दिस देन वी हैव डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री.
ये अपने पैरामीटराइज हुआ है कि यहाँ पे हम कहाँ पे पैरामीटर्स अकॉर्डिंगली मैक्रोस के साथ हम यूज करेंगे, यानी ये मैक्रोस बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ सो व्हेन वी राइट सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जीनियर हैज 10 पॉसिबल पैरामीटर्स, तो ये जो मैक्रोस का जो टेक्निक है द वे वी राइट मैटर्स अ लॉट। सी द पोजीशंस मैटर अ लॉट बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन इट। फर्स्ट आर द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इज कि आपके डमी वेरिएबल्स के साथ आपके एक्चुअल पैरामीटर्स मैच होते हैं, तो आप जैसे पैरामीटर्स डालेंगे वैसे वैसे वो उसको कनेक्ट करके इट विल जस्ट असाइन दैट वैल्यू। नेक्स्ट इज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं और उसके सामने हम डायरेक्टली वैल्यूज उसको असाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आर द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट मतलब जहाँ पे आप एक से ज्यादा कंडीशन चेक करने का ट्राई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे है टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ वगैरह। सो दिस इज द डिफॉल्ट टाइप इन विच यू कैन यूज मैक्रोस। नेक्स्ट वीडियो विल सी वॉट आर नेस्टेड मैक्रोस। तो नेस्टेड का कंसेप्ट आपको बेसिकली पता होगा, हमने प्रोग्रामिंग में देखा है व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, यानी मैक्रोस के अंदर मैक्रोस होना। सो व्हेन अ मैक्रो कॉल्स इज डन इनसाइड अ मैक्रो, दैट स्ट्रक्चर दैट वे ऑफ कॉल इज कॉल्ड एज नेस्टेड मैक्रोस। सो वी आर गोइंग टू सी दैट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो।